अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक, पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। स्टार डेवलपर एंड मार्केटिंग, अपोजिट पंचवती होटल, न्यू टाउन, महबूब नगर, रेडी टू रजिस्ट्रेशन। वी प्रोवाइड अप्रूव्ड मुडा प्लॉट्स, DTCP प्लॉट्स, वुडा प्लॉट्स, फार्म लैंड्स एंड एग्रीकल्चर लैंड। विद दिस वी ऑल्सो प्रोवाइड EMI ऑप्शंस। महबूब नगर के वार्ड नंबर 40 व 42 में महबूब नगर असेंबली हल्के BRS उम्मीदवार वजीर श्रीनिवास गौड की तायद में मजलिसी व BRS कायदीन ने घर घर पहुंचकर वजीर श्रीनिवास गौड़ के हक में वोट देते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर AIMIM मुतहिदा ज़िला महबूब नगर कोआर्डीनेटर व इंचार्ज जाबिर बिन सईद अल जाबरी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना व बिलखसूस महबूब नगर असम्बली हल्के में BRS के 10 साल दौरे इख्तदार में काफ़ी तरक्की हुई है। वजीर श्रीनिवास गौड़ की क़ियादत में महबूब नगर गुज़िश्ता 10 साल में हैदराबाद की तर्ज तरक्की हुआ है। महबूब नगर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल सुपर स्पेशलिटी दवाखाना तामीर किया जा रहा है। इसके अलावा कई एक तरक्याती काम जेर तामीर है। इन कामों को जल्द अजन जल्द मुकम्मल करने के लिए BRS उम्मीदवार वजीर श्रीनिवास गौड़ के हक़ में कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने की इन्होंने आवाम से अपील की। जाबिर बिन सईद अल जाबरी ने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 10 साल में रियासत तेलंगाना में कोई भी फ़िरका वाराना फसादात नहीं हुए हैं और कोई कर्फ्यू भी नहीं हुई है। रियासत तेलंगाना में BRS की सेक्युलर हुकूमत को देखते हुए सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने BRS पार्टी को तायीद। वज़ीर आला KCR ने तालीम से तरक्की मुमकिन कहते हुए अखलीतियों की पसमानदगी दूर करने के लिए माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल व कॉलेज का क़ियाम किया है। इस मौके पर BRS म्युनिसिपल फ्लोर लीडर शब्बीर, वार्ड नंबर 40 मजलिसी नुमाइंदा काउंसलर मुजम्मिल मुहियुद्दीन, वार्ड नंबर 42 BRS काउंसलर राम लक्ष्मण, मजलिसी साबिका काउंसलर मोहम्मद जहांगीर के अलावा मजलिसी व BRS कायदीन व कारकिनों की कसीर तादाद मौजूद थी। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज BRS और MIM की जानिब से वार्ड नंबर 40 और वार्ड नंबर 42 में वहाँ के काउंसलर मुजम्मिल और राम लक्ष्मण साहब के साथ यहाँ का घर घर जाकर हम दौरा कर रहे हैं और हर एक से मिल रहे हैं। ख़ास तौर पर यहाँ के जो लोग हैं वो लोग ये तयखुन दे रहे हैं कि यहाँ का एक एक वोट 30 तारीख के दिन हम TRS को डालेंगे, कार के निशान पर डालकर जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब को भारी अक्सरियत से जिताने का ये वादा और तयखुन दे रहे हैं। माशाल्लाह से यहाँ का जो माहौल है, लोग अक्सर बाहर में सुन रहा था कि यहाँ पर कुछ और चल रहा है, लेकिन जब दौरे में मैं और लक्ष्मण साहब और राम और मुजम्मिल और हमारे शब्बीर साहब और जहांगीर ये पूरे मिलके जब निकले तो लोग अपनी दिल से बोल रहे हैं कि नहीं साहब, हमारे को तो अब के TRS को डालना है। लास्ट टाइम हम धोखा खाए, बच्चे हमारे भटका दिए हमारे को, अब के हम धोखा नहीं खाएंगे।
हम जो है कांग्रेस को नहीं डालेंगे वोट बल्कि टीआरएस को डालकर हम भारी अक्सरियत से जिताएंगे श्रीनिवास गौड़ साहब से। और हमारे जो काम हैं वो काम के जो तयखून आप दे रहे हैं वो हम राम लक्ष्मण साहब से और यहाँ के मुजम्मिल साहब काउंसलरों से हम काम लिए भी हैं और आगे भी लेंगे। हम ये वादा कर रही है पब्लिक और बहुत खुश है पब्लिक और सबको ये यकीन है कि फिर एक बार केसीआर सरकारी स्टेट में आएगी और यहाँ से श्रीनिवास गौड़ साहब भारी अक्षरियत से जीतेंगे, ये हमें यकीन है और तयखून भी यही मिल रहा है हमारे को। सब ये दस्ता जो महबूब नगर के डेवलपमेंट के बीआरएस के रियासत में कैसा? देखिए इसी के लिए अपनी पूरी मेहनत और जिद्दोजहद से यहाँ के लिए बजट लाते हैं और उनके पास कई पोर्टफोलियोस है उसका सब बजट भी वो माशाल्लाह से यहाँ इस्तेमाल करते हुए यहाँ जिस तरीके से तफरीगाह को यानी तरक्की दी है वो भी एक मिसाल ही है। हमें कभी ज़माने में अगर घूमने जाना तो एक छोटा सा पार्क नहीं मिलता था सिवाय पिल्लामरी का जो झाड़ था वहाँ जाके हम तफरी करते थे बच्चों के साथ। आज देखिए केसीआर पार्क को देखिए और जो है ना ये अपने मिनी टैंक बैंड के नाम से जो वो शिल्पा रामन का नाम से जो तरक्की मिली है इसके साथ साथ और कई पार्क्स और कई उनके जो विज़न है उनका जो उनके पास जो यानी यहाँ के डेवलपमेंट का जो विज़न है वो एक लाजवाब विज़न है। कभी उनके साथ अगर आप लोग एक बार उनसे भी ये पूछिए आगे का क्या विज़न है वो बताएंगे। अगर सोचे तो ऐसा दिखता उनके विज़न सुनने के बाद कि ये हमारा महबूब नगर एक दिन जो है ना फॉरेन कंट्री का एक शहर नज़र आएगा, इस तरीके से वो डेवलप करना चाह रहे हैं इस शहर को। इसके लिए हमें चाहिए कि उनको भारी अक्सरियत से जिताकर उनसे काम लेना है और स्टेट में केसीआर सरकार को तीसरी बार जिताना है। यही हमारे सदर साहब का भी हुक्म है। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब भी आप सबसे यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग इस वक्त वोटों की तकसीम ना करें बल्कि इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होकर केसीआर सरकार को जिताएं, क्योंकि पिछले 10 साल में ना कभी फसाद हुआ, ना दंगा हुआ, ना कर्फ्यू लगा कभी। और उससे पहले की सरकार जब 10 साल जो है ना ये कांग्रेस की थी और उन्हीं के दौर में जब उनका सीएम बदलना रहता तो एक कर्फ्यू वहाँ पर दंगा फसाद कर देते थे हैदराबाद में और कर्फ्यू लगा देते थे, कई मासूम बच्चे मर जाते थे। आप देख रहे हैं उसके बाद से एक पुरसकून हुकूमत चल रही है। इस पुरसकून माहौल में आपके बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, आपके महबूब नगर के कई बेटियाँ हमारे जाके हैदराबाद में हॉस्टल में रह के पढ़ रही हैं। इसकी वजह क्या है? सुकून है, कोई किसी किस्म का हरासमेंट नहीं है। यही वजह है वो जो हमारे लोग जो है ना हमारी पार्टी के सदर जो है ना मुत्तफिक होकर उनसे काम ले रहे हैं और पुरसकून अंदाज में हमारा स्टेट चल रहा है। इसको कायम रखने के लिए हमें फिर एक बार केसीआर सरकार को लाना है, मामू की सरकार को लाकर हमें फिर एक बार जिताकर भारी अक्सरियत से हमें उनको जिताना है। मेडिकल पर देखिए अब इस वक्त जो है ना हैदराबाद के दो मशहूर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, एक है उस्मानिया एक है गांधी, वो भी 900 बेड का हॉस्पिटल है। लेकिन आज आपके शहर में ये श्रीनिवास गौड़ साहब 1000 करोड़ की लागत से जो 1000 बेड का जो हॉस्पिटल तैयार करने जा रहे हैं जिसकी तामीर शुरू होकर बमुश्किल 4 से 6 महीने हुए हैं और उसके 4 छत पड़ गए हैं, करीबुल ख़त्म है। अगर आप लोग थोड़ी भी गफलत बरतेंगे तो इतना बड़ा हॉस्पिटल का काम रुक जाएगा। आप लोग से ये इल्तिजा है कि उस काम को देखते हुए इसी तरीके से आपके शहर में जो है मेडिकल कॉलेज नहीं था, आज आपके बच्चे आपके मेडिकल कॉलेज में महबूब नगर में मेडिकल कॉलेज में पढ़कर आ रहे हैं और जिसकी तादाद यानी बेहिसाब हो गई है। और इसी तरीके से टिमरिस के 11 बच्चे मेडिसिन में गए हुए हैं आज, और जो है ना एक बच्चा पायलट के लिए सेलेक्ट हुआ है जिसकी ट्रेनिंग के लिए 35 लाख की ज़रूरत थी तो यही केसीआर साहब ने मिनटों में उनको सैंक्शन करके वो बच्चे की ट्रेनिंग का काम दे दिया है, उनको 35 लाख रुपए अलाट कर दिए हैं। ये सब कामें देखने के बाद अब जैसे कि ओवरसीज़ का जो स्कीम है बच्चों की स्कॉलरशिप है बच्चों की, यानी कई हज़ार बच्चे हमारे जो है ना बाहर कंट्री जैसा कि ऑस्ट्रेलिया अमरीका कैनेडा न्यूजीलैंड जाके पढ़ रहे हैं, 20-20 लाख रुपये के एक बच्चे के पीछे खर्च कर रहे हैं। क्या ये पहले कभी 55 साल कांग्रेस की हुकूमत और TDP की हुकूमतों में कभी आपने देखा इस तरीके का तरक्की, इस तरीके का माहौल? आज आपके सामने ये केसीआर सरकार 10 सालों में ये काम कर चुकी है। आपके कई गरीब माँ बहनों को जो है ना 2 बेडरूम का घर मिल रहा है। इसी तरीके से जो आपके बूढ़े ज़यीफ और बेवा लोगों को 200 रुपये का पेंशन था, 2016 रुपये उनका पेंशन है, आने वाले दिनों में 3016 रुपये होने वाला है और पिछले आने वाले 5 सालों के अंदर वो 5000 रुपये तक चले जाएंगा। ये एक 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 बच्चे की तरह, हर बूढ़ी माँ के बेटे की तरह, हर बेवा बहन की
भाई की तरह जो खिदमत केसीआर हुकूमत कर रही है, आपको ये सब नज़र आने वाली चीज़ें हैं। ये किसी से ढकी छुपी चीज़ें नहीं हैं। अगर आप लोग गफलत में इस चीज़ इन तमाम स्कीमों के बावजूद आप गफलत खाए जाएंगे तो इन तमाम स्कीमों को जो है ना वो पूरी तरीके से रोक देंगे। जिस तरीके से आज बोल रहे हैं कि हम कर्नाटक जीत के आए, कर्नाटक में ये दिए वो दिए, वहाँ की जाके वहाँ की पब्लिक से पूछे क्या करे। और दूसरी बात, वहाँ का जो माहौल था वो बीजेपी का माहौल था, जहाँ पर निकाब पर पाबंदी थी, जहाँ जहाँ पर यानी गौकशी पर पाबंदी थी, जहाँ पर जो है अजाम पे पाबंदी लगाई जा रही थी मुसलमानों को, इसलिए बज़न होकर वो कांग्रेस को दिए। हमारे हुकूमत में पिछले 10 सालों में कहीं पर भी एक ऐसा वाक़ा आप नहीं बता सकते कि आप जो है ना किसी मस्जिद की अजान रोकी गई या किसी बहन का नकाब उतारा गया, आप ऐसा कोई वाक़ा नहीं बता सकते। अगर ऐसा होता तो आज आपके यानी हमा चाहती कायद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ये केटीआर साहब के साथ कभी नहीं जाते। अगर ऐसा होता, आज उनके साथ हैं तो इसीलिए है कि यहाँ एक पुरअमन माहौल में जो है ना बिला किसी दंगा फसाद और कर्फ्यू के एक बेहतरीन हुकूमत चल रही है पिछले 10 सालों से। इसी को कायम रखने के लिए बार बार असदुद्दीन साहब आपसे अपील कर रहे हैं कि इस बार केसीआर सरकार, इस बार मामू की सरकार। अस्सलाम वालेकुम। एफएसआईटी सिक्योरिटी सिस्टम्स, वी प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ सीसीटीवी कैमरा सेल्स एंड सर्विसेज इन होलसेल प्राइसेस। एफएसआईटी सिक्योरिटी सिस्टम्स, अपोजिट चाचा बुटा मस्जिद महबूबनगर। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।